देखिए फुटेज ले लो फिर लगाते हैं। तरुण ऐशवानी जी क्या कहना चाहेंगे अर्ली मॉर्निंग मलाड मस्ती असलम सीट जी के कहने पे आपको यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आपने परफॉर्मेंस के लिए आए हैं, क्या कहना ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें यहाँ पे आने का इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला बिकॉज यस इनवाइट था मलाड मस्ती की तरफ से कि आइए और परफॉर्म कीजिए एंड इट्स अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इतना सुबह सुबह परफॉर्म किया है एंड ट्रस्ट मी वे फीलिंग सो फ्रेश एंड वार्म्ड अप ऑडियंस को देखने के बाद बिकॉज इतना एक्साइटिंग एंड इतना एंथुजियास्टिक क्राउड हमने पहली बार देखा है एंड वो भी अर्ली मॉर्निंग मलाड के स्ट्रीट्स पे एंड सारे फिटनेस फ्रीक सारे डांस लवर्स यहाँ पे है और बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी यहाँ पे है बिकॉज जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे तो पता चल जाता है कि किस तरीके का क्राउड है। सो वी लव द वाइब, द टीम इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा इनका मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ में एंड ऑफकोर्स ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि इट बाइंड्स पीपल, बहुत यूनिटी पे बहुत काम करता है एक सिटी के। सो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके और इस मलाड मस्ती के एक फैमिली का हिस्सा बन के। शिवानी जी मैं ये कहना चाहूंगी लाइक आपका जो क्यूटनेस है आपका ये जो गेटअप है आज ये सुबह बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू। सुबह सुबह इतनी तैयार हो गई इतना रेडी हो होना कितना आसान लग रहा है। आदत हो चुकी है एक परफॉर्मर के लिए अपने गेटअप में अपने कॉस्ट्यूम में आना और रेडी होना तो एक आदत सी है, उसके बिना मज़ा नहीं आता, ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आता। बट हम लोग ने आज मतलब हमारा तरुण और शिवानी है जो जाने जाते हैं रोमांटिक परफॉर्मेंसेस के लिए हम लोग फेमस हैं तो एक रोमांटिक परफॉर्मेंस मलाड मस्ती के लिए तो बनता ही था। तो हम लोग ने ट्राई किया है कि जितना रोमांस हम लोग सुबह सुबह स्प्रेड कर सके, जितना फ्रेशनेस जो हमारा है क्योंकि हम लोग बहुत न्यू है, ऐसा कपल फर्स्ट टाइम आया है कि जो लिफ्ट और ट्रिक्स के साथ कंटेम्प्रेरी डांस करता हो, तो हमारी जो फ्रेशनेस और हमारा जो रोमांटिक अंदाज है वो हम लोग ने स्प्रेड करने का ट्राई किया है और ये जो अवतार आप देख रहे हो वो हमारे सॉन्ग के साथ भी जा रहा है सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी यही विश रहेगी हमेशा कि प्यार बना रहे, यूनिटी बनी रहे, जिस तरीके से हम बोलते हैं कीप स्प्रेडिंग द लव कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ डांस, तो इसी तरह डांस से बहुत सारे लोग जुड़ते रहे, तरुण शिवानी को जिस तरीके से अब तक लोग पसंद करते हुए आने वाले सालों में भी आने वाले हमारे प्रोजेक्ट्स में भी लोग हमें उतना ही पसंद करें। मैं बस हमारा एक मोटो है डांस टू विन हार्ट्स, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो रोमांटिक अंदाज है हमारा जो डांस करने का तरीका है वो ऐसे ही लोगों को पसंद आता रहे, लोग ऐसे ही हमें अप्रिशिएट करते रहे आगे भी और हम सबके दिलों में ऐसे ही बने रहे। स्पेशली न्यू ईयर भी आ रहा है तो कुछ विशेष अपने व्यूअर्स को बोलना कहना चाहेंगे न्यू ईयर के लिए कि क्या रेजोल्यूशन करें जो करें तो वो अपनाए ना किसी करे। हमारे सारे व्यूअर्स को हम एक ही बोलेंगे रेजोल्यूशन पे टिके रहें बिकॉज़ ये जो इवेंट है ये सारे फिटनेस फ्रीक और डांस लवर्स के ऊपर है, तो अगर आप 2018 में स्टेप कर रहे हैं तो एक नया रेजोल्यूशन बनाएं कि सब लोग एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ द डे वर्कआउट करें अपने आप के लिए बिकॉज एक फिट बॉडी एक बहुत पॉजिटिव वाइब क्रिएट करती है पूरे घर में, पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे सिटी में और पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। सो स्टे फिट, 20 मिनट्स अपने बॉडी को दीजिए, यही हम आपको बोलेंगे। ये फिटनेस का जो रेजोल्यूशन आप ले रहे हो वो एक महीने खाली जनवरी तक मत रहना चाहिए, पूरे साल तक कंटिन्यू रहना चाहिए, तो जो रेजोल्यूशन ले रहे हो वो कंटिन्यू करें, अटकाए नहीं। तो सारे डांसर्स हैं या नॉन डांसर्स हैं ये सबके लिए जाता है, 20 मिनट्स अपने बॉडी को दीजिए फॉर द एंटायर ईयर एंड यू विल स्टे फिट एंड हैप्पी एंड हेल्दी। यस, कीप हैप्पी एंड कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ डांस। थैंक यू करण सर, थैंक यू। पर्सनल ट्रेनर मिस्टर विकी ने मुझे इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर असलम शेख जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और आप सबको भी बधाई। बेसिकली सुबह इतनी जल्दी उठना, मैं बहुत टाइम बाद जल्दी उठाऊँ तो
तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस का। मलाड एंड दीस वाइब्रेंट स्क्रीम एब्सोल्युटली, सो वी बिगिन विद यू। ओके, सो यू हैव, ओके यू हैव टू रियली स्क्रीम योर लंग्स आउट, या ओके, जितनी जितनी आपकी तेज आवाज, जितना ज्यादा आप चिल्ला के बोल सकते हो। और यहां पे लेट्स सी कि माइक के साथ शशांक की आवाज ज्यादा तेज है, हमारी जो ऑडियंस है, जनता जनार्दन है, वो ज्यादा एनर्जेटिक है। या गाइस, so let's have a kind of, you know, challenge between Shashank and Malar people. So okay, so what we'll be doing is we'll be screaming Malar. You guys have to say Malari. Yeah, inko challenge dena hai mic ke sath, theek hai? So guys, girl, I know you can do it. Malar Masti, Malar Masti. Amazing presence. फिर से एक बार प्लीज शशांक व्यास जी के लिए जोरदार वाली तालियां बजाएं एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। आई विल कॉल अपॉन श्री कमल चंदा जी एंड शहजाद जी फ्रॉम माइंड स्पेशल। कमल चंदा जी फ्रॉम बीका जी, प्लीज जॉइन। इन लोग का पेट जो आगे आ रहा है ना, आधा इन लोगों की वजह से है। बीका जी का नाम तो सुना ही होगा। चल रहा है धन्यवाद। नहीं कहना आपको है। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना क्राउड देखने को मिलेगा, इतने लोग आते हैं, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस इवेंट। सुबह का टाइम है, संडे का छुट्टी का दिन होता है, सुबह कौन जल्दी उठेगा, ये मैंने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे आया तो आराम से आई थिंक मोर देन 5,000-6,000 पीपल आराम से होंगे, तो बल्कि ज़्यादा होंगे। तो वो जो एनर्जी है ना, वो अपने आप मिल जाती है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार मुझे क्या कहना है, मुझे क्या बोलना है, वो आपको एनर्जी सामने से मिलती है। तो इट वाज फन टू बी हियर, और कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, बधाई दूंगा मिस्टर असलम शेख को कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। और बात सिर्फ पॉजिटिविटी की है, बहुत बात सिर्फ अपनी हैप्पीनेस स्प्रेड करने की है, इसमें किसी का घाटा नहीं, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। तो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना असलम जी के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसी बहुत सारी विशेष हैं यार, मतलब अभी तो मतलब नेवर एंडिंग, पर फिलहाल 2018 में कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो, सिर्फ मेरे नहीं, आपके लिए भी, आपके लिए भी। तो हम सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और अभिलाषा करते हैं कि जो भी हो बड़ा ही हो जी। रिजोल्यूशन यार मैंने बहुत बार बनाया, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है। लेकिन पिछले 2 महीने से मैंने आज तक कभी जिम को हाथ नहीं लगाया था, लाइक आई वॉज इन टू जिमिंग, लाइक मतलब कर लिया, लेकिन दिस टाइम आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ रिगार्डिंग डाइट, एक्सरसाइज रूटीन, 3-3, 4-4 घंटे की ट्रेनिंग। और उसी के लिए मतलब मैं नाम लेना चाहूँगा रुबाइनस फिटनेस क्लब कांदीवली वेस्ट RNA, जहाँ पर उनका स्टॉल भी है, और उसी का प्रमोशन के लिए बेसिकली यहाँ पर आया हूँ। तो वहाँ पे ट्रेनर है मिस्टर विक्की जो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, ही यूज टू ट्रेन मिस्टर करण सिंह ग्रोवर एंड एवरीबडी ओवर देयर। तो फिलहाल पूरा ध्यान फिटनेस पे है, और 2018 में कुछ ऐसा हो जिसको शायद देख के मैं ही सरप्राइज हूँ। हाँ जी, किसको बोलूँ यार, सपोज ओम जनरल, ठीक है। सो तमाम व्यूअर्स को शशांक व्यास की तरफ से, आपकी तरफ से, आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, एंड विशिंग अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस ऑल्सो। स्टे फिट, ईट हेल्दी एंड कीप अप द हार्ड वर्क ऑलवेज।
असलम जी जो है हमारे मलाड के किंग हैं। ऑनेस्टली 10 साल के करियर में बहुत तरह के लोग से मिली हूँ, बहुत तरह के लोगों से इंटरेक्शन हुई है, बट असलम शेख जैसे इंसान मुझे आज तक नहीं दिखे जो इतने हम्बल, डाउन टू अर्थ, वाइब्रेंट, और पहली बार कोई गुड लुकिंग लीडर दिख रहा है मुझे जो कि दिल का इतना अच्छा है, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी के लिए भी मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। सो जब उन्होंने मुझे पूछा इस बार मलाड मस्ती फेस्टिवल के लिए, हालांकि मेरा बैक टू बैक रूटीन चल रहा है, मैं अभी यहाँ परफॉर्म करूँगी, फिर शाम को मेरा एक और शो है, कल रात को मेरे दो शोज थे पुणे से, 5 घंटा मुझे लगा वापस आने में, बट एनी थिंग फॉर असलम शेख, बिकॉज वो लोगों के लिए इतना करते हैं, सो वी शुड ऑल्सो सपोर्ट हिम एंड बी ऑलवेज विद हिम, थोड़ा बहुत जो भी हमसे बन पड़ेगा। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई चीज़ बनाते हो इतना शिद्दत से, दिल से, और वो ऑडियंस और आपके फैंस पसंद करते हैं, और ऑलमोस्ट 3 मिलियन टच कर चुका है 10-12 दिन में। जैसे मलाड के लोगों के अंदर मस्ती है, वैसे ही मेरे गाने में मस्ती है, सो पीपल आर लाइकिंग इट, सो वॉट बेटर ओकेजन देन दिस टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ 35,000 पीपल, जो मुझे भी पता चला यहाँ पे 35,000 क्राउड है। सो बेबी तेरा फ्रॉड रोमांस का सक्सेस मलाड मस्ती के साथ एंजॉय करने के लिए सुबह सुबह में इतना तैयार होके आ गई। अलीजा जी, क्रिसमस आ रहा है, कोई ऐसी छोटी सी विश हो जो आप लाइक पूरा ना हो, आप विश करना चाहेंगे इस फेस्टिवल में? ऑनेस्टली इस क्रिसमस मैं सिर्फ यही प्रे और विश करना चाहती हूँ अपने लिए और सबके लिए कि भगवान हम सबको इतनी पॉजिटिविटी दे कि हम किसी गलत और नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचे, पॉजिटिवली आगे चले, मेहनत करे, शिद्दत से अपना काम करे, एंड सब दूसरी चीज़ों के बारे में भूल जाए, जो कि मेरा मैसेज भी है गाने में कि ब्रेकअप होता है तो रोध हो मत, आगे बढ़ो, लाइफ एंजॉय करो, नोबडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ देन योर ओन सेल्फ। न्यू ईयर आया है, और न्यू ईयर और क्रिसमस और ये पार्टी सीजन के लिए ही मैंने ये गाना लॉन्च किया है, सो जाइए ढेर सारा प्यार दीजिए, 3 मिलियन पहुंचाया है, 30 मिलियन पहुंचाइए, और आप सभी को न्यू ईयर में मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, गो फॉर इट। Let's hear it from Hello Malaj, thank you very much. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ असलम भाई का, बहुत अजीज़ हैं आप सबके, मेरे भी बहुत अजीज़ दोस्त हैं, ये वी ऑल लव हिम एंड रिस्पेक्ट हिम, यू नो हाउ मच ही हैज डन फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस इन फैक्ट। सो व्हेन आई केम टू नो अबाउट मलाड मस्ती, मेरा तो लास्ट में गिरा भी इन दोनों का, मेरा लास्ट ही बजा, इसमें अभी और आने वाला सेलिब्रिटी, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ भाई आप दे दो जरा। जी 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 हाँ, टेल मी, आप पूछेंगे क्वेश्चन, हम सरप्राइज 50,000 लोग सुबह सुबह, मुझे लगा मैं शायद थोड़ा लेट उठता हूँ सोकर, इन लोगों को देखकर मैं इंस्पायर हो गया एक्चुअली। सो मेरा रेजोल्यूशन नहीं है कि मैं अब सुबह जल्दी उठूँगा। मलाड मस्ती जो इवेंट है, प्लेटफॉर्म इतना अच्छा असलम शेख भाई ने किया है हम सबके लिए, एंड आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर
they are getting a lot of support. They are finding a lot of other business opportunities. So it's very surprising that aisa kuch ho raha hai. It's a very revolutionary, you know. I think it's great. देखिए बड़ा पर्दा छोटा पर्दा तो कुछ अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है. आप बड़े पर्दे की चीज़ें भी आजकल फ़ोन पे ही देखते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें ही खुश हूँ. आई मीट पीपल ऑन माई फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब. सो मेरे ख्याल से मैं खुश हूँ उसमें इस वक्त, और बिज़ी भी हूँ काफ़ी. मुझे नहीं लगता बड़ा पर्दा छोटा पर्दा से कुछ आप फ़र्क पड़ता है. वी ऑल आर इक्वल, इट्स जस्ट मैटर ऑफ चांस. सैंटा क्लॉज से मैं मांगना चाहूँगा कि मुझे हेल्थ मिले, और मेरे ख्याल से हेल्थ होगी तो इतनी ताकत हो सकती है कि आप रोज़ी रोटी कमा सकते हैं अपने आप को इस्तेमाल कर कर, मेहनत कर कर. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हेल्थ है, जो आप ख़रीद नहीं सकते. कोशिश करूँगा. व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, न्यू ईयर आ रहा है, बहुत सारे लोग फिटनेस में आ रहे हैं, और मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ ज्ञान देने वाला, मगर फिटनेस ने मेरी ज़िंदगी बचाई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू लिव इन दिस बॉडी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए. बस शेयर कर लो अभी. Thank you.
Milad, you can do better than this. So, this is the moment we are playing another song. Thank you so much.
that's the reality. Thank you so much, Monica. You actually have a great Mr. Asia 2015, Mr. World 2015! For this activity. जी ने आज फिनाले है समझो बलाड मस्ती का और आज हम लोग 11 बजे तक का चलाएंगे 11 बजे तक का चलाएंगे क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे बड़ा मैसेज जो ये है कि यू नो भाई सबको सुबह उठना चाहिए सबको हर तरह का स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है कि हमारे मिनिस्टर जो हैं असलम शेख साहब जो हैं फिटनेस के इतने मतलब ज्ञानी हैं उनको देख करके इंस्पिरेशन अपने आप ही मिल जाता है तो मैं तो कहता हूं कि हर किसी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मलाड फेस्टिवल ये जो मलाड मस्ती है इसका हिस्सा हर किसी को बनना चाहिए जितने स्थानीय लोग हैं उनको आकर के क्योंकि हमारा अपना एरिया या कहते हैं घर का एरिया का ये फेस्टिवल है जुड़ना चाहिए भाभी कैसी हो अरे क्या सुबह सुबह मतलब मालूम है संडे है भैया घर पे हैं लेकिन भैया को बोलो आओ चलें संग संग मलाड फेस्टिवल क्योंकि यहाँ पर प्यारी भी आया हुआ है यहाँ पर तमाम लोग भी हैं और अगर छोटा मोटा नन्ना मुन्ना है जो हो गया है तो उन्हें भी ले आइए बड़ा मज़ा आएगा आपका इंतज़ार प्यारे कर रहा है आइए ना भाभी क्रिसमस जो है वो बहुत ही बड़ा त्यौहार है ख़ासकर मेरे लिए क्योंकि मेरे पिताजी का जन्म जो है वो क्रिसमस में ही हुआ था सो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है उनका जन्मदिन मनाती है और मेरे जीवन के सबसे बड़े सेंटा क्लॉज तो वही हैं तो कल का दिन मेरे लिए बड़ा अहम दिन है एंड हम घर परिवार के लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और आने वाले नववर्ष की आप तमाम लोगों को खासकर क्रिसमस की और आने वाले नववर्ष की आप तमाम लोगों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं बस एक ही मैसेज मैं हर किसी को देना चाहता हूँ कि पार्टी जम के करिए लेकिन डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव ये बहुत ज़रूरी है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू हाँ बहुत धमाल हो रहा है बहुत मज़ा आ रहा है इतनी पॉजिटिव एनर्जी सब लोग लेके आए हैं और बहुत फ्रेश फील हो रहा है क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग ज़्यादातर हम लोग उठते नहीं हैं वो भी संडे को एंड जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि मैं पहले जब मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया कि इतनी अर्ली मॉर्निंग ये फंक्शन होने वाला है सो आई वॉज नॉट वेरी श्योर मैंने कहा ये इतनी सुबह कौन उठेगा संडेज़ को सो बट आई एम सो सरप्राइज एंड सो हैप्पी टू सी कि किस तरह से लोग इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं एंड कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सब एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स बन रहे हैं बच्चे इतना इंजॉय कर रहे हैं मैं बोलूँगी बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास कोई एंटरटेनमेंट का कोई और ज़रिया नहीं होता है सो सब लोग बहुत बहुत खुश हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आज वैसे भी बहुत शुभ दिन है इट्स क्रिसमस सो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हैप्पी हैं सो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन नया साल भी आने वाला है बिल्कुल एडवांस में विश एवरी आई वुड लाइक टू विश एवरीवन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस एवरीवन एंड लेट्स मेक अ बेटर वर्ल्ड कार्यक्रम के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहिए वेल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी असलम शेख जी को और उनकी एंटायर टीम को कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इट्स अमेजिंग टू सी कि किस तरह से उन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और कितने अच्छे तरीके से ये मेंटेन हो रहा है कितने अच्छे तरीके से ये हैंडल हो रहा है इट्स रियली काबिल तारीफ़ है और कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिज एंटायर टीम
मलाड मस्ती अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है, इज हाईली टॉक्ड अबाउट नॉट ओनली इन मलाड बट मुंबई में सब लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि मैं भी मलाड में रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारे एरिया के लिए है और हमारे हमारी चीज़ की इतनी तारीफ हो रही है। हाँ जी, मलाड मस्ती के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये मेरा पहली बार है मैं यहाँ आया हूँ और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संडे को मॉर्निंग में 7 बजे उठ के इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन यहाँ पर तो क्राउड ओवर कंट्रोल, बिना किसी कंट्रोल के रुका हुआ, मतलब देयर जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं असलम शेख सर को थैंक यू कहना चाहूँगा और ये मैं पहली बार आया हूँ, मैं अपनी सारी शूटिंग छोड़ के स्पेशली इसके लिए आया था एंड मलाड आना जाना रहा है एंड मैं यही कहूँगा कि ये फन ये मस्ती हमेशा जारी रहे एंड दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल दैट मुंबई इज सो मच लाइव एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने इंटरव्यूज में भी कि पहले मैंने अपनी बॉडी को बनाया और उसके बाद मेरी बॉडी ने मुझे बनाया, तो हम यही कहेंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, जो बात कही गई है वो बहुत ट्रू है 100%। आप जितना अपने आप पर इन्वेस्ट करेंगे वही आपका दिखेगा और जितनी पर्सनालिटी ज़रूरी है हर फील्ड में आपको उतनी ही तरक्की बहुत आगे मिलेगी। आई एम डन, थैंक यू। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज हम सब यहाँ रहते हैं और हम किसी को जानते नहीं है बिकॉज हम इतने काम में बिजी रहते हैं, काम काम और सिर्फ घर आके, मतलब लाइफ इज जस्ट बिकम सो टाइट, यू नो। इट्स गुड दैट समबडी हैज टेकन द इनिशिएटिव टू गेट पीपल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सबको एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है और इससे अच्छी बात बिकॉज नॉर्मली जब ऐसे गैदरिंग्स होते हैं तब उसमें एक कॉज निकलता है, सपोर्ट करने का एक मकसद मिलता है, तो आई एम श्योर यहाँ पे भी हम बहुत सारे कॉजेज़ को डेवलप करेंगे। असलम भाई है जो ही कम्स अप विद न्यू आइडियाज़ एंड आई थिंक यू कैन सी द एरिया इज़ सो क्लीन राइट नाउ एंड ऑर्गेनाइज, ऑब्वियसली इज़ इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम एंड जस्ट सी वेट एंड वॉच व्हाट्स हैपनिंग। क्या कहना चाहूँगा, मज़ा आ रहा है बिकॉज एवरी मॉर्निंग नॉर्मली लोग आते नहीं है, संडे इज समथिंग विच इज़ वेरी सुस्त वाला दिन होता है कि किसी को काम करने का मन नहीं करता है, पर एटलीस्ट मुझे अपने घर पे ये सब गाने सुबह सुबह सुनाई देते हैं और अच्छा लगता है जब संडे एक अच्छी तरीके से, बिकॉज नॉर्मली मैं रोज़ पार्टी करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है ऐसा। व्यूअर्स के लिए एक्चुअली डेट जो है कि पन्ने बदलने की तरह है, तो डेट तो हमेशा चेंज होती है, पर जस्ट बी व्हाट यू डू, डू व्हाट यू एवरी टाइम डू बिकॉज यू हैव टू बी गुड टू योरसेल्फ, डोंट हैव ईगो, सबको इक्वली ट्रीट करो, एक डोंट दुश्मनी मत रखो यार, मज़े करो बस। थैंक यू। असलम जी ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इतनी पब्लिक सुबह हम लोग जल्दी उठ के आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस है और हेल्थ को लेके बातें हो रही है, सो इट्स वेरी गुड फीलिंग आई मीन टू से, सो दैट्स ऑल। एंजल यू वांट टू से समथिंग? बस यही कि इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, क्राउड इतना एंथू है, हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना एक्चुअली क्राउड आता है सुबह जल्दी उठ के संडे को, एंड वी आर रियली ऑब्लाइज्ड एंड प्रिविलेज्ड दैट असलम शेख एंड हिज टीम हैज इनवाइटेड अस टू इंटरेक्ट विद एवरीवन, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एक्चुअली टू बी पार्ट ऑफ इट। इन्होंने परफॉर्म किया ना, डांस किया ना, थोड़ा सा डांस किया ऐसे। मैं तो डीजे हूँ, मैं तो नचाती हूँ लोगों को, मैं नाच नहीं सकती। वही वही मैसेज ये है कि हाँ अपने हेल्थ को लेके हमेशा फोकस रहो, बिकॉज
is a saying, health is a wealth, you know. So you always you have to be fit, and this is a health oriented program which you guys have done it. It's very fabulous. Like health ko leke baat ho rahi hai, so of course I'm a healthy, like I like to stay fit, stay healthy. So it's a really good. Today in fact Christmas Eve hai, so we would like to wish everyone a Merry Christmas and a very great and prosperous New Year. Hope next year sabka bahut acha ho, physically, mentally, emotionally, financially growth ho sabka. That's it. Thank you so much. सेकेंड ईयर है मेरा और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके. बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं और मुझे मौका मिला दोबारा आने का. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस. मलाड मस्ती की परफॉर्मेंस थोड़ी अलग होती है क्योंकि नॉर्मली परफॉर्मेंस वो पूरा होता है ना, बैंड होता है, पीछे आर्टिस्ट होते हैं. यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंटरेक्शन है, लोगों से बातचीत करना, यू नो, अलग है. मॉर्निंग में बहुत देर से चल रहा है, सुबह सुबह उस वक्त इतनी एनर्जी दिखती है लोगों में क्योंकि मोस्टली बॉलीवुड सोया हुआ होता है उस वक्त, तो वो एक देखने का एक अलग मज़ा है. बहुत अच्छा लगा मुझे, आई एम रियली हैप्पी. संडे की सुबह सबको उठाते हैं, संडे की सुबह मैं भी उठता हूँ. और हाँ हाँ, असलम भाई तो मतलब रॉक स्टार है. वो तो मतलब मेरे को आई थिंक एक साल से ऊपर हो गया उनको जानते हुए, और उनको जान के ही बहुत मज़ा आ रहा. बहुत ही खुले दिल वाला इंसान जिसको बोलते हैं, असलम भाई वैसे हैं और दोस्तों के दोस्त हैं. एंड बहुत 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 मज़ा आता उनके साथ भी. मुझे जब जब भी मैं मिलता हूँ मलाड मस्ती में आना होता है बिकॉज वो मुझे इन्वाइट करते हैं, तो मैं दिल से उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि वो मुझे, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया. और क्या शेखर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, सॉरी आज क्रिसमस मैं बॉम्बे में हूँ, क्रिसमस में भी बॉम्बे में हूँ एंड न्यू ईयर में भी बॉम्बे में हूँ. मेरे कुछ फ्रेंड्स चाइना जा रहे हैं परफॉर्म करने, सो या आई मीन मैं बॉम्बे में हूँ. हाँ, नए साल की प्लानिंग है, दोस्तों के साथ जो बिगड़ गई उनको सही करना है, और कुछ मेरे फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हैं उनको मनाना है. नहीं मजाक कर रहा हूँ, वो पीछे ही खड़ा है इसलिए. लो सर, आप कैमरा मना लो. हाँ ये है ना, देखो
देखो शेखर, उसको कहते हैं फुटेज, कैमरा घुमाओ। ये ये है, मैं ये मुझसे मिले नहीं तो मैं इनकी कंपनी का नाम भूल गया, पर्पल एंटरटेनमेंट बोल रहा था, जबकि है पर्पल स्टार एंटरटेनमेंट। और ये है शेखर, जो कि बहुत अच्छे नहीं इंसान है, परफॉर्मेंस आल्सो वेरी गुड, एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड सिंगर, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है बंदे में, कॉमेडी का भी बहुत स्कोप है सर को। लेकिन किस बात पे नाराजगी? सर नाराजगी दोस्तों में कभी नाराजगी नहीं होती, कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो टाइम इनका कभी मैच नहीं हुआ, कभी मेरा टाइम मैच नहीं हुआ। वो वक्त गुजर गया जब मोहब्बत की आरजू थी, अब तू खुदा भी बन जाए तो भी मैं सजदा ना करूँ। वाह वाह, ये कैमरे में बिल्कुल नहीं था सर। हाँ तो तेरे से मोहब्बत थोड़ी करता हूँ मैं। लेकिन ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, कुछ डिफरेंसेस कभी नहीं आ सकती हमारे बीच में। तू ऐसे बोला इंटेंस हो जाएगा चीजें, वैसे ही फालतू है, कुछ नहीं ऐसा, जस्ट मस्ती कर रहा था। जी, थोड़ा तेज बोलिए ना प्लीज। लाइव गाना गाया आपने, कितना मजा किया आपने ऑडियंस के बीच? मुझे बहुत मजा आया, ये लाइव इंटरेक्शन ही एक स्टेज ही ऐसी चीज है जहाँ पे लाइव इंटरेक्शन मिलता है किसी भी परफॉर्मर को, तो मुझे एक्चुअली बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। नेक्स्ट ईयर भी आई होप मुझे बुलाया जाएगा तो मैं आऊँगा। थैंक यू। एक मिनट Enough!
Mumbai Police has been with us with all the thick and thin. It is one of the most powerful forces in the world, which has helped us be secured in such a nice with them. Shahzad, extremely proud of you. Thank you very much. Can I ask a small token? Okay, we also have the आज आपने देखा होगा ये हमारा लास्ट फिनाले था मलाड मस्ती का और सारे रिकॉर्ड मेरे ख्याल से मुंबई में जितने भी इक्वल स्ट्रीट है या जितने भी रोड के ऊपर प्रोग्राम हुए सारे टूट चुके हैं चाहे किसी भी पक्ष के हो किसी भी पार्टी के कोई भी पब्लिक 7 बजे उठ के किसी के लिए नहीं आती लेकिन मलाड मस्ती के लिए आती है और मलाड मस्ती जो है वो दहीसर से लेकर चर्चगेट और घाटकोपर से लेकर मुलुंड इस सारे जगह जो फैल चुकी है और इतना एंटरटेनमेंट लोगों को मिला है मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जहां देश में काफ़ी लोग अपने बिजनेस को लेकर तंग में हैं अपने घर में परेशानियों में हैं आने वाले नए साल में भी कुछ धंधा होगा नहीं होगा उसकी परेशानियों में है ये सारी चीज़ों को साइड में रख के और ख़ास करके जो छोटे बच्चे यंग बच्चे उन्होंने अपना मोबाइल गैजेट कंप्यूटर लैपटॉप सारी जो फालतू चीज़ें जो आज की आई हुई हैं जिनमें आखा दिन उनका निकलता है वो सारी चीज़ों को साइड में रख के 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का आज इंजॉय करने का काम किया है उनको जो है और सभी लोगों को जो है क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देखिए ये दूसरा साल था तीसरे साल भी होगा चौथे साल भी होगा जब तक पब्लिक का प्यार होगा तब तक ये मलाड मस्ती चलता रहेगा और मुंह से मलाड 1 2 3 1 2 3 भाई भाई अच्छा मुंह बंद करके फोटो भाई 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 भाई